बलिया सादुल्लापुर के ग्राम प्रधान ने लोगों की आर्थिक मदद। विकास खंड मुंडा पांडे के ग्राम पंचायत जेतिया सादुल्लापुर के ग्राम प्रधान नरेश कुमार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए गांव को कई बार सैनिटाइजर करवाया है। साथ ही जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा राशन तथा दवाइयों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ग्राम प्रधान ने आगे कहा कि मनरेगा का कार्य जारी है। मनरेगा कार्ड धारक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य कर रहे हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के जैतिया सादुल्लापुर ग्राम पंचायत में। आइए यहां जानते हैं कि ग्राम प्रधान द्वारा इस COVID-19 के महामारी के दौर के दौरान, जी लॉकडाउन पीरियड भी गुजरा है और महामारी फैली हुई है, इस दौरान ग्राम प्रधान ने किस तरह से अपने गाँव में लोगों की मदद की है, क्या क्या यहाँ पर इसे लेकर के कदम उठाए हैं। आइए चलते हैं। टुडे 24 न्यूज में स्वागत है प्रधान जी। ये जो महामारी फैली हुई है और लॉकडाउन भी लगभग 70-71 दिन का हो चुका है, 70 दिन का हो चुका है, इस बीच में आपने अपने गांव में क्या क्या जो कदम उठाए हैं इस महामारी से बचाव के लिए? गांव में सैनिटाइजर छिड़काव कराया है जी। लोगों को, जो लोग ज़्यादा परेशान थे उन्हें पैसे भी दिए हैं जी। कुछ लोगों को राशन भी अपने पास से मुहैया कराया है जी। और जिस जैसे लोग बाहर से आते हैं उन लोगों के लिए क्वारंटाइन घर में करा दिया गया है जी। जैसे बाहर से जो लोग आए हैं, क्या उनकी स्वास्थ्य जांच आपने यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, करवाई उनकी करवाई है? कुछ की जांच कराई है, कुछ को क्वारंटाइन घर में करा दिया है। सभी लोग सही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर गांव में किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत आई हो सामने, जैसे कि लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया हो या बात ना मानी हो या लॉकडाउन का पालन सही तरीके से ना किया हो? सही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने भी हमारा सहयोग दिया है, लोगों को समझाया है घर घर जाके जी। लोग सब सही है। गांव में क्या ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर खाने पीने की किल्लत रही हो इस समय में? दो चार परिवार ऐसे हैं जो आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम लोग अपने घर से ही राशन मुहैया करा देते हैं। जैसे कि अभी कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, हालांकि सरकार ने घोषणा की कि राशन मुफ्त में मिल रहा है सभी को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है ना ही आधार कार्ड है, फिर भी उन्हें राशन नहीं मिला इस वजह से। तो ऐसे लोगों की समस्या किस तरह से दूर हुई? कुछ लोगों को हमने अपने पास से राशन दिया, आपने घर से दिया है जी, और कुछ को डीलर से कह के थोड़ा बहुत कराया है। अब इस COVID-19 को लेकर के, हालांकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, इसे लेकर आप क्या कदम अपने गांव में उठाएंगे या किस तरह से लोगों को, अपने गाँव वासियों को जागरूक करेंगे इसके लिए? भाई देखो, सभी लोगों को वैसे नरेगा में भी काम दिया जा रहा है। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं गाँव में जिनके जॉब कार्ड भी नहीं बने हुए हैं, तब भी उन लोगों को हमने काम पर लगाया है। उन लोगों को सबको ज्वाइंट कर दिया गया है कार्डों से, भैया दो दिन काम तुम कर लो, एक दिन का ये कर लेगा, सबका रोजी रोटी का मामला है। इस काम करने के दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन हो रहा है सही से, मेंटेनिंग अच्छी तरह से, सबको सैनिटाइजर वगैरह लगवाया। और कुछ आप कहना चाहेंगे अब इस समय में, कोई संदेश अपने गाँव वासियों के लिए या बाकी लोगों के लिए? संदेश का यही है, सभी लोग सही रहें और सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। अभी तो थोड़ा ऐसे चल रहा मामला, बस और क्या। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपने गाँव वासियों की यहाँ मदद की है इस मुश्किल के वक्त में। हालांकि अभी भी यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को लेकर के कोई ना कोई बातचीत हो रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। तो हमारी बाकी लोगों से भी उम्मीद है कि इन सभी सावधानियों का पूरी तरह ध्यान रखें। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।